दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल ऊषा की किरण में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्कूल बस के बारे में, जिसको कि टाटा कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन इंजन के साथ में, साथ ही काफ़ी बेहतरीन कीमतों के साथ में मार्केट में अवेलेबल करवाया है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ हमेशा की तरह श्याम टाटा कमर्शियल, जो कि AB रोड इंदौर पर इनका शोरूम स्थित है। अगर आप मुझे इंदौर या इंदौर के आसपास से देख रहे हैं और आप चाहते हैं इस तरह की गाड़ियाँ खरीदना या तमाम सारे टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स, तो आप खरीदने के लिए यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बस की जो खूबसूरती है उसको तो आप देख ही सकते हैं। बस जो है, स्कूल बसें जो है, येलो कलर के साथ में आती है, जैसे कि भारतवर्ष के अंदर तमाम शहरों में आपने देखी भी होंगी। आज हम बात करेंगे टाटा मार्को पोलो बस के बारे में, जिसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। चलिए दोस्तों फ्रंट लुक की हम बात करते हैं, जहाँ पर आपको मार्को पोलो की बैजिंग दिखाई देगी, साथ ही मिलता है टाटा का लोगो, और यहाँ पर जो है इस तरह का आपको खूबसूरत इसका फ्रंट देखने के लिए मिलता है। साथ ही आपको बड़े सारे दो दो वाइपर मिलते हैं, जिससे कि विंडशील्ड को साफ़ करने के ये काम आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो है विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अगर हम नाइट विजन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफ़ी पावरफुल, यहाँ पर दो दो यानी कि दोनों ही साइड में आपको दो दो यानी कि चार चार आपको हैलोजन बल्ब के साथ में आने वाली हेडलाइट्स मिलती हैं। साथ ही मिलेंगे राउंड टाइप के आपको यहाँ पर इंडिकेटर, काफ़ी जगह पर जो है आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सामने और पीछे से आने वाले लोगों को विजिबिलिटी का एहसास कराते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ और कैसे चल रही है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं बस के अंदर, और अंदर के फीचर्स के बारे में भी हम आपको डिटेल में बता देते हैं। आप ऊपर की साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइवर की ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के लिए यहाँ पर अलग से भी ग्लासेस दिए गए हैं, जिससे कि ड्राइवर इनके नीचे की साइड में भी देख पाएगा कि आगे कहीं कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई गड्ढा वगैरह तो नहीं है। चलिए सबसे पहले हम ड्राइवर की जो कम्फर्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम चलेंगे इसके ड्राइवर साइड के एरिया की तरफ। दोस्तों हम गाड़ी के अंदर चलें, उससे पहले हम उसके कुछ सेफ्टी फीचर्स बता देते हैं आपको, कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जगह जगह पर ब्रेक द ग्लास यानी कि ग्लास को तोड़ने की भी वार्निंग दी गई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं एग्जिट इमरजेंसी, और पीछे की साइड में भी आपको एक इमरजेंसी डोर जो है यहाँ पर दिया गया है, इनकेस कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ पर आपको बाहर निकलना हो तो आप कई जगह से बाहर निकल सकते हैं। गाड़ी के पीछे की साइड में भी आपको एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है। अब बात करते हैं ड्राइवर के कंफर्ट की, तो सामने की साइड में तो आपको ग्लासेस मिलते ही हैं, यहाँ पर भी ड्राइवर के पास में एक बेहतरीन बड़ा सारा ग्लास दिया है, जिससे कि ड्राइवर पीछे की साइड में काफ़ी दूर दूर तक देख सके। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको दो दो स्टेप मिलते हैं, जिससे कि आप आराम से चढ़ जाएँ। साइड में भी आपको इंडिकेटर मिलते हैं, और गाड़ी के अंदर काफ़ी कम्फर्टेबल आपको सस्पेंशन मिलता है, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है आपको आगे और पीछे। साथ ही आपको एंटी रोल बार जैसी सुविधा भी दी गई है, जिससे कि बच्चों की बस है, कमर्शियल बस है, साथ ही ये पैसेंजर वाहन भी है, तो यहाँ पर काफ़ी कंफर्ट का ख्याल इन बसेज के अंदर रखा गया है। अगर हम टायर्स की बात करें तो आपको अपोलो के टायर मिलेंगे 225x75 R 17.5 इंचीज के, आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर इन बसेज के अंदर मिल जाते हैं। टोटल 6 टायर आपको मिलेंगे बस के अंदर, और एक मिलेगा स्पेयर व्हील के रूप में। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ अंदर की साइड में, यहाँ पर आपको लॉक करने का भी प्रोविजन मिलता है, और इस तरह का हमें जो है अंदर का एरिया दिखाई देता है, जहाँ पर ड्राइवर के पास में सारे के सारे कंट्रोल स्विचेस दिए गए हैं। ड्राइवर के साइड में आपको यहाँ पर पानी की बोतल रखने के लिए जगह भी मिलती है। इन बसों को दोस्तों आप अपने बजट के अनुसार एयर कंडीशन भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी प्रावधान आपको अवेलेबल होता है। चलिए मैं चलता हूँ बस के अंदर, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक जैक भी दिया गया है, जिससे कि कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह से आप अपनी बस के अंदर आराम से चढ़ सकते हैं। आपको दो दो हैंडल भी मिलते हैं, और यहाँ पर जब हैंडल हैं इनके माध्यम से आप आराम से चढ़ पाते हैं। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एयर सस्पेंशन के साथ में आने वाली इस ड्राइविंग सीट मिलती है, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ में ये सीट मिलेगी, जिससे कि आप गाड़ी चलाते समय कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। यहाँ पर मिलता है आपको टाटा के लोगों के साथ में आने वाला स्टेयरिंग मिलेगा, ये पावर स्टेयरिंग है, और काफ़ी स्मूथली इसको जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर तमाम सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में मिलता है आपको RPM मीटर, राइट में मिलेगा आपको इसका स्पीडोमीटर, और यहाँ पर फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती हैं। साथ ही दोस्तों आपको बैटरी के जो कट ऑफ वगैरह है इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी यहाँ पर आपको पास में ही दे दिए गए हैं, ड्राइवर यहीं से बैटरी को अभी ऑफ कर सकता है। ये लाइट के कंट्रोल वाला स्विच हो गया, अपर डिपर को सेट कर सकते हैं, और मैं इसका जो डिस्प्ले है वो आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको खूबसूरत यहाँ पर जो है डिस्प्ले दिखाई देगा, डिजिटल और एनालॉग रूप से तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती हैं, तो व्हाइट कलर का है। यहाँ पर दोस्तों BS6 गाड़ियाँ हैं, तो इनके अंदर आपको एड ब्लू भी डालना पड़ता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पर शो होगी। साथ ही ब्रेक प्रेशर कितना है रियर में और आगे में, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती है। ट्रिप वगैरह मिल जाता है, ओडोमीटर है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है शो होती हैं। एक मजबूत और बेहतरीन आपको इसका सामने की साइड से डैशबोर्ड सामने की साइड में दिखाई देता है। अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको कंट्रोल स्विचेज मिलेंगे, यहाँ पर आपको फ्रंट डोर ओपन, फ्रंट डोर इमरजेंसी डोर ओपन, तमाम सारी चीज़ों को आप यहीं से जो है
एक्सेस कर सकते हैं। शानदार वाइपर है जिनको कि आप टू स्पीड के अंदर चला सकते हैं, जो कि आपकी बेहतरीन विंडशील्ड को क्लीन करते हैं। दोस्तों अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो आपको यहाँ पर काफी बेहतरीन एक छोटा सा गियर मतलब गियर शिफ्ट लीवर मिलता है, जिसके अंदर आपको 5 गियर फ्रंट में और 1 मिलता है रिवर्स। यहाँ पर टाटा का 400 GB जो गियर बॉक्स है उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको कंट्रोल स्विचेज मिल जाते हैं सारे के सारे। ये जो दो बटन दिए गए हैं दोस्तों, ये आपको मिलते हैं रीजनरेशन वाले, जिनको कि आपकी गाड़ी की जो ईट सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, यानी कि एग्जॉस्ट साफ्ट ट्रीटमेंट सिस्टम, उसकी रीजनरेशन के लिए इनका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा मिल जाती है, ABS आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, फैन वगैरह की स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी सीट ड्राइवर की। यहाँ पर ड्राइवर के कम्फर्ट के लिए फ़ैन मिल जाता है। आप इन गाड़ियों को एयर कंडीशन में लेंगे तो आपको फ़ैन की ज़रूरत है ही नहीं। काफ़ी बड़ा सारा इनसाइड व्यू देखने के लिए आपको मिरर मिलता है। यहाँ पर आपको फायर डिटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि बच्चों की गाड़ी है, इसके अंदर आपको फायर अलार्म वगैरह जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, सनवाइजर भी मिलेगा। और अब हम चलते हैं बस के अंदर की साइड में। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है काफ़ी बेहतरीन सीट मिलती हैं, और ये जो सीट है काफ़ी अच्छे सॉफ्ट मटेरियल के साथ में इसको बनाया गया है, जिससे कि बच्चे जो है हमारे कम्फर्टेबली अपने स्कूल तक की यात्रा को कम्प्लीट कर सकें। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीट बेल्ट भी दी गई है बच्चों की सेफ्टी के लिए, जिससे कि बच्चे कभी बैठते हैं और उदम वगैरह करते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट काफ़ी होना जरूरी है। बच्चे अपने बैग्स को यहाँ रख सकते हैं, स्कूल बैग्स को। और यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों 3x2 के अंदर आपको मिल रहा है। आप चाहें तो इसको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार भी डिज़ाइन करके ले सकते हैं। अगर हम पीछे की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पीछे की साइड में भी दो दो म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर मिलते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अनाउंसमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर जो है स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। साथ ही कई जगह पर आपको हेल्प के बटन्स भी दिए गए हैं, अगर किसी समय बच्चों को किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो वो इस बटन को प्रेस करेंगे तो ड्राइवर के पास में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जिससे कि बच्चों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्यूशन की जा सके। इस बस को दोस्तों डिलीवर किया जाने वाला है, तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन भी यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है, बैलून्स वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ पर अगर आपको बच्चे जब उतर रहे हैं तो उसको पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स भी जगह जगह पर मिल जाते हैं। तो इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट है। इन बसों को दोस्तों आप 22 से लेकर के 50 तक की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह थी टाटा की हमारी मार्को पोलो बस, स्कूल बसेज के रूप में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आगे और पीछे दोनों ही साइड में आपको दो दो एग्जिट और इन करने के लिए आपको दो दो गेट मिलते हैं। अगर आप इन बसेज को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों इनकी कीमत मैं आपको बता देता हूँ, 25,18,888 रुपये के आसपास के एक्सरूम प्राइसेस में आप इनको श्याम टाटा कमर्शियल इंदौर से परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बस के अंदर मिलने वाले फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर आपको 120 लीटर का जो है डीजल टैंक मिलेगा। साथ ही दोस्तों बस के अंदर ईट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो BS6 के पॉल्यूशन मानकों को मीट कर पाती हैं, तो उसके लिए गाड़ी के अंदर इस सिस्टम को लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको एड ब्लू भी डालना पड़ता है। तो इस तरह की है साइड प्रोफाइल बस की, आप देख सकते हैं स्टॉप वगैरह की आपको वार्निंग जगह जगह पर देखने के लिए मिलेगी। इस बस के अंदर टाटा का 4S PCR इंजन लगा हुआ है, जो कि आपको लगभग 100 HP का पावर जनरेट करता है। और अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो 300 न्यूटन मीटर का आपको बेहतरीन टॉर्क इस बस के साथ में मिल जाएगा। इस बस के साथ में आपको 280 मिलीमीटर डायमीटर का सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप की क्लच प्लेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आपकी जो है पावर और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम माइलेज की बात करें तो इन बसेज से आपको 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक का माइलेज 1 लीटर डीजल के साथ में मिल जाएगा। 120 लीटर का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। 25,18,888 रुपये के आसान कीमत के अंदर आप इनको अपने घर लेके जा सकते हैं। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर से हैं, तो वहाँ पर ऑन रोड प्राइसेस थोड़े से वेरी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको इस बस के एक्सरूम प्राइसेस बताए हैं। इस वीडियो को हमने बनाया है दोस्तों श्याम टाटा कमर्शियल, जो कि आप देख सकते हैं तमाम सारी गाड़ियाँ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। AB Road इंदौर में इनका जो है शोरूम स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।